बैग पहने, क्योंकि ट्रेन निकलने का हो जाएगा, तो मैं अभी बाद में बात करूंगा, अभी अभी सिर्फ भागना होगा। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं वीडियो बता सकूँ, बस बैग जमा कर बता सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी करना है मेरे को फटाफट, बाद में मिलेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कम से कम 5 बज रहे हैं और 8 बजे की गाड़ी है, तो पहले बैग जमाना है, फिर नहाना भी है, तो इसलिए अभी बाद में मिलूंगा, क्योंकि बाद में मिलते तुरंत। हेलो, आप अहमदाबाद जा रहा हूँ और बातचीत करेंगे, अभी भी रिजर्वेशन हुआ है, पहले बैग जमा लूँ फटाफट, फिर मिलते हैं जल्दी। सबसे बेकार काम होता है बैग जमा, चखना तो भूल ही गया था, चखना पटक सकते हैं इसको, वहाँ पे बैग में रखते हैं फटाफट, फिर जल्दी खुजा भाई जल्दी खुजा, चखने ये तो रखना है क्योंकि मेरा पेट खराब चल रहा है, अपना पेट खराब चल रहा है, तो भी हम ले सकते हैं। दिस ग्रेट सक्सेस, काम पूरा हो चुका है, नहा धोइए, नहा धोना बस 15 मिनट में, नहा लूंगा और 5-10 मिनट में सूख जाऊंगा, और फटाफट 5:30 बजने वाले हैं, और फटाफट 5:30 के बज गए, थोड़े बहुत 5:30 बज गए, अब सीधा मिलेंगे 6 बज जाएंगे तब तक, और 6 बजे गाड़ी 6:30 पर गाड़ी आ जाएगी, फिर सीधा निकलेंगे रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पे भी आधा बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो शायद सीन दिक्कत देख लेना, क्योंकि मैं शायद ही ना होगा, क्योंकि पटक भागूंगा और आराम करूँगा, क्योंकि अभी बहुत बहुत दूरी होने के कारण, क्योंकि मेरा बहुत कम से कम 1-2 घंटे में आया है, क्योंकि मेरा पेंटिंग में था, इसलिए अभी अभी हुआ ही है ग्रेट सक्सेस में। अब रेलवे को एक बात बताना चाहता हूँ, मीटिंग में मत रख कर देता, परेशानी आती है, चलो कोई ना, क्योंकि रेलवे हमारा है, चलो कोई बात करेंगे, क्योंकि अभी भागना है, बाद में बात करेंगे ट्रेन के अंदर तो सब सोए हुए मिलेंगे, 8 बज जाएंगे, इसलिए बस थोड़ा सा बहुत मैं वीडियो में सिर्फ दिखाऊंगा बस, इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज, नो बातिंग ना, सीधा मिलेंगे ट्रेन के डब्बे के अंदर। गाइस नहा लिया, एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं अब क्या करना है, शायद तैयार होना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, नॉर्मल लिया, मेरी टास्क कम्प्लीट हो चुका है सबसे बड़ा, अभी जाना और बाकी है, नहीं जाना है कोई ना, एक्सरसाइज हो जाएगा सब कुछ रहेगा। ट्रेन में मेरा वेट कर रहा है ड्राइवर ने, लोको पायलट बोल रहा है कि अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, 1 घंटा लग जाएगा, लोको पायलट बोल रहा है भी 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं आराम से जाएंगे। गाइस ये रेलवे की सीढ़ियाँ बहुत ही मनमोहक है, आप सीधा अहमदाबाद चल रहे हैं, ये देखो ट्रेन देखो, वाह ट्रेन देखो देखो फटाफट देखो ट्रेन में डब्बा लग गया, जा रहे हैं बहुत ही अहमदाबाद। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, अब आ रही है नई ट्रेन मेरे लिए, एक कोच मैंने लगाया गया है, ये ड्राइवर भूल गया हैंड ब्रेक लगाना, इसके कारण गाड़ी रिवर्स आ रही है, क्योंकि ढलान ज्यादा है इधर, ये बज गए 7, चलो कोई ना, सब देखो कोई किसको मतलब नहीं है, देखो वो गाड़ी कर रही, देखो लोग बैठे हैं वो गाइस, सुबह के 5:20 AM हो रहे हैं सुबह के, और ये सब सो रहे हुए हैं, और ये जो जा रहे हैं ये फ्लैट में जा रहे हैं, और कचरा वचरा बहुत है,
एक बार मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो कचरा खूब है। ग्राउंड फ्लोर पे है सर अभी हम, 1, 2, 3, 4 एंड लेट्स गो। ये आ गया मेरा होटल सूर्या और ये रिसेप्शन है, देखो गाइस गाइस ये देखो हमारा रूम है। मैं ये चाबी दी बिल्डिंग बढ़िया है। टीवी चला रहा हूँ, टीवी चल रहा है, चल नहीं पा रहा, ये कुछ चलाया जा रहा है, बटन कौन सा चल रहा है ये पता नहीं चल रहा है। नो सिग्नल बता रहा है, मेरे आते ही बंद हो गया है। अब मैं साबुन दिखाऊं, 3 साबुन दिए गए हमको, 3 नए तो उससे 3 ही साबुन दिए गए। ये पानी की बोतल इसको हम ले जाएंगे। ओहो ये 3 2 बोतल ली है, चलो कोई ना 20। ये 2 साबुन तो चल जाएंगे बैग के अंदर और एक हम काम ले लेंगे। कितने रुपए के है ये? 3 रुपए के। और ये बाहर का नजारा देख लो, इट्स ब्यूटीफुल नजारा देख लो। अरे यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही नहीं है, ये सोलर पैनल लगा रखे है। खोलो और ये खोलो और बाहर की नजारे देखो, बाहर के नजारे ऐसे हैं। और पैक कर रखा है ताकि कोई कूदे नहीं, इसको गंदगी बोलते हैं। मोटर वाले को बोलूंगा साफ करते हैं। इसको एक बेड भी है सोने के लिए, 2 ग्लास पीने के लिए, चप्पले वप्पले ये बात करने के लिए, ये सिगरेट पीने के लिए। वाह ये सी दुनिया, एक हाथ जितना इसी है, और तो नहीं है। टीवी चलाने की कोशिश कर रहा, टीवी नहीं चल रहा, नेट वेट बंद हो गया, चलो इसको बंद कर दिया जाता है। तुम कैसे हो? एसी में पानी गिर रहा, क्योंकि आज अपने सबसे महत्वपूर्ण काम है। आज आदित्य L1 अपना 11:02 को जाएगा और ये कम से कम 2 महीने लग जाएंगे इसको, और आज 11 बजे आसपास इसरो इसको लॉन्च करेगा। और तो कुछ नहीं, अभी नहा के आया हूँ, तत्ते लग गए गर्मी में, एसी भी फेल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है थोड़ी सी एसी की हवा खा लूं, गर्मी भयंकर पड़ रही है इधर, लबालब टेढ़ी हो रखी है गर्मी। तो अब आई देख लो, देखो लाइटें भी लगा रखी इन्होंने, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह वाह। तो अब सीधा खाएंगे कुछ, फिर अभी वो आ रहा है, कैब आ रहा है, पोए वोए आ रहे हैं, उसको करेंगे खाएंगे, फिर बातचीत करेंगे। और अभी तो मेरे को ऐसा लगा कि मोदी ने सारा पैसा इधर ही डाल दिया, सारा देश इधर ही पैसा, इतना डेवलपमेंट है इधर,
जयपुर को भी फील कर दिया इसने, ये तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी थोड़ा बहुत 1-2 करोड़ कम से कम 200 करोड़ तो दे दो इधर जयपुर में भी, राजस्थान में भी। हाँ चलो ठीक है, मिलेंगे मोदी नगरी में आ रखे हैं, ऐसा चमाचम कर रखा है मोदी नगरी को, क्या बताऊँ तुम्हें। अहमदाबाद थोड़ा थोड़ा, जयपुर पहले तो बहुत खराब, ऐसे नहीं था डेवलपमेंट, अब धीरे धीरे लग रहा है भाई साहब, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जयपुर में भी नहीं देखे हुए मैंने, इतने WTP भी नहीं होगा बड़ा, इतनी उनसे WTP से भी कम से कम डबल ट्रिपल मान लो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर अहमदाबाद में, और रोड एक चोरी चोरी जयपुर को भी मात दे रही है अहमदाबाद। मोदी ने ऐसा कर दिया, क्या बताऊं मैं, ऐसा लग रहा है कौन सी देश में आ गया मैं। सही है ये बर्गर है क्या? अच्छा बर्गर नहीं, बर्गर नहीं खाता, बर्गर नहीं बड़ा पाव है, बड़ा पाव है। चलो कोई ना, मैं आलू पराठा क्या है, और आलू ये आलू के पराठे कितने पड़ गए, ये जोमेटो वोमेटो का है, मोदी ने भेजा है। हाँ मोदी जी की सबसे फेवरेट दुकान थी है आलू पराठा। थैंक्स मोदी, आपने हमको लिए भेजिया, थैंक्स मोदी जी, आपने हमको यूटिलाइज नहीं करते, एसी बंद कर दिया जाता है हमारे, क्या क्या जाए बताओ, इससे भी ठंड लगती है, 40-50 भी पहुंच चुकी है वो सोम, गर्मी देखो तप तपाती गर्मी, यहाँ 50-40 से 45 डिग्री आसपास है टेम्परेचर, फुल बढ़ते जा रहा है, और हम ये होटल वाले बोल रहे हैं चला लो एसी, नहीं चलाते हमारे को जो आदमी है कि जैसे चले जाएगा फिर हम चालू करेंगे धड़ाधड़ लुड़ाएंगे और से कम साठ, ये वो रहे पैसे दो पहले 59 फिर चैनल चलो। भाई का घर यहाँ मटकी मटकी नहीं पड़ी हुई गुजरात की राजधानी की, जैसे अपने तो 2-3 मटकियाँ पड़ी रहती है चौराहे पर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, गर्मी टेढ़ी गाइस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सड़क अपनी बाप की है, हर कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहा है, जैसे स्कूटी देखो व्हाइट कलर की, गुजरात में ट्रैफिक इतना नहीं है, सीट बेल्ट भी लगा के घूम सकते हैं ना, वैसे इसमें इतना रिस्क की बात नहीं है। राजस्थान की गर्मी अलग है, गुजरात की गर्मी अलग है, राजस्थान में सूखी गर्मी होती है, यहाँ पे नमी वाली होती है, ऑयली होता है। गाइस यहाँ पे सिस्टमेटिक बनी हुई है बस की एकदम, और बैठने की भी जगह है देख, और गुजरात थोड़ा सा सही लगा मेरे को, जो ये मॉल देख रहे हो ना इसके अंदर ही हमारा होटल है, और जो गाड़ियाँ जा रही है देखो, जो ये बड़े बड़े मॉल है इसमें कई चीज़ें है, ये जी हमारे होटल का रास्ता है जाने का, ये साइड में है बिल्कुल होटल के, और सबसे पीछे पीछे है हमारा होटल, ये देखो ये रास्ता और बताता हूँ, ये देखो ये है। गाइस मैं थोड़ी देर सो लिया, और अब मैं देख रहा हूँ कि क्या करना है मेरे को, थोड़ा देर 15-20 मिनट सो लिया, अब थोड़ा सा देख रहा हूँ कि अब जाना और है, अभी बाहर निकलना है कि बहुत तगड़ी धूप हो रखी है, अभी जाके देखता हूँ।
स्कूटी में। और ये देखो छज्जा, देखो इतने सारे लोग आए मेरे से मिलने, देखो कितनी स्कूटियाँ खड़ी है, देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है। ये सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बातचीत कर रहे हैं क्या कैसे मिलना है जयदीप से। गुजरात की इलेक्ट्रिक बस देख लो आप, गुजरात की गलियाँ 3 बजे थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। ये सारे पैसे मैंने दिए थे भाई जी, मेरा ये मॉल अपना ही है, करता ही मैं। अनबॉक्सिंग पिज्जा देखो गाइस, ये सब्सक्राइबर देखे गए थे मेरे को गिफ्ट में, देखो पनीर सही, देखो पनीर पनीर। गाइस मैं देख रहा हूँ कीड़े मकोड़े देख रहा हूँ, कीड़े मकोड़े नहीं है गाइस। मेरी पोर्चे खड़ी इधर खड़ी है वाइट कलर की, और यहाँ पे मैंने अभी छोटे मोटे मेरे दोस्तों को लाया है फंक्शन के लिए, बस वो आ रहे हैं। ये मेरे मैनेजर की है गाड़ी, ये मेरी है पोर्चे, अभी मैं अभी हाँ पोर्च कोई भी हो, बस हम तो पैसे देते हैं बस खरीदते हैं। एक वो चक बात बताऊं, ये सारे सेम दिख रहे होंगे फ्लैट, देखो ये सारी चीजें फ्लैट सेम दिख रहे होंगे आपको, कोई देखो फ्लैट सारे सेम दिख रहे होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्डर इनको बना के सेम ही देता है। अब मेरा मन है कि मैं हूँ थोड़ा डिफरेंट दिखूँ इनको, मैं भी बनाऊंगा इधर फ्लैट या अपार्टमेंट। ये इनके कपड़े भी उतरे भाई बहनों, थोड़ा कपड़े अपने तो अंदर रख सुखा लिया करो, किस किस के कपड़े पड़े हैं देखते हैं, बढ़िया कपड़े हैं, रहने दो छोटे से अपन नहीं देखते ये चीज़ें। गाइस ये मेरी बिल्डिंग बन रही है। इसको कम से कम 15 करोड़ दिए मैंने अभी भी जस्ट। काम आएगा कैमरा, कैमरा के लिए लाइट देने के लिए, और ये पंखा को भी ले चलता है, कैपेसिटर सही क्या कैपेसिटर को बांट लिया, कैपेसिटर जैसे पंखा को ले चलते इसको भी ले चलते हैं। गाइस मेरी गाड़ियाँ, मेरे मैनेजर डायरेक्टर घूमते हैं इसमें, मैं मेरी पोर्चे अभी लेके गया है मेरा वो फूड जो मेरा बनाता है वो लेके गया है पोर्चे, और ये मेरे वो आए वर्कर्स जो मेरी रूम की साफ सफाई करते हैं, ये देखो ये मेरे कमांडो बॉडीगार्ड, ये मेरे बॉडीगार्ड, ये देखो ये देखो ये मेरे आगे चलती है BMW मेरी थोड़ी आगे चलती है, ये सबसे पीछे BMW और ही देख लो, ये मेरे ब्लू पीछे पीछे चलती है, और ये काली कलर की देख लो ये रेंज रोवर, ये सबसे पीछे पीछे चलती है, ये बिल्कुल ये बस कवर कर देती है कि ट्रैफिक को हटाती है, साथ साथ चलती है, और ये इसमें मेरे SPG कमांडो बैठे रहते हैं आगे, ये आगे बिल्कुल ही आगे, वो बिल्कुल सबसे पहले ये आगे जाते हैं, 5 मिनट पहले ये आगे जाते हैं, देखो ये है। और यारा मोटा ये मेरे में मैनेजर है, देख रहा है गाड़ियों की देखभाल कर रहा है मेरी, इसमें पैसा मेरा है सर पैसा, इसको दिया मैंने संभाल लिया, देखो गाइस देख रहे हो, ये भी मेरा फार्म हाउस गाड़ी आ रही है, मेरा ये सामने खड़ी होने वाली है, बस मेरी पैकिंग हो रही है, देखो पैकिंग वैकिंग हो रही है, गेट सक्सेस, आओ फटाफट आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा साइड में लगा दो गाड़ी को, साइड में लगा दो साइड में लगा दो साइड में लगा दो साइड में, बस
इसको थोड़ी सी फ्रेश होके आना है रेंज रोवर को, फिर आराम से चलेंगे। वेट कर रहा हूँ इनको। चलो कोई ना, जब भी आएगा, मैनेजर का फोन आया भी, इसको लग गई, कोई ना, मैं जब तक ठंडी ठंडी हवा ही खा लूँ। ये तो बस पहुंच गई अंदर, साइड में लग गई गाड़ी गेट के पास में, मर्सिडीज तो ये मेट्रो है गुजरात की, और ये ट्रैफिक है गुजरात का, और ये पास ये कोई फैक्ट्री है, कोई पता नहीं, कोई पावर प्लांट की है, और ये देखा से, और कुछ ही नहीं, ट्रेन में आग लग गई थी और सिर्फ लेजेंड लोग सो रहे थे, एक मेरे ऊपर वाला सो रहा था, एक मैं नीचे सो रहा था, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट चुकी थी, यानी बिजली सब कुछ भी नहीं था, यानी अंधेरा गुप हो गया था, और क्योंकि उसमें ट्रेन में आग इसलिए लगी थी क्योंकि उसमें ब्रेक शू होता है, तो पता नहीं कुछ अड़ गया था उसके कारण, उसमें मेरे को पता नहीं, वो मैं खुद ही बाद में सो गया था, देखा बस अलार्म बज रहा था, इसमें देख लेना क्योंकि इसमें इतना इतना क्लियर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि बस मैंने बस देखा था अंधेरा हो रखा था, और बस अलार्म की आवाज आ रही थी बस, और पूरा कोच खत्म हो गया था, पूरा कोच खत्म तो नहीं हुआ, उसमें क्या लोग निकल गए थे फटाफट, यानी अपने सारे बैग लेके, अपने बस्ता सब कुछ लेके निकल गए थे, सिर्फ मेरे पास वाला बस जो साइड वाला होता है वो सो रहा था, और एक मैं सो रहा था क्योंकि मेरे एक दिन से मैं सोया नहीं था, क्योंकि एक सरदार था जो उसमें शायद मेरे पास में मोबाइल नहीं था उस वक्त, वो नीचे था मेरा मोबाइल, तो वो खराटे की आवाज़ ले रहा था, इस कारण मेरे को नींद नहीं आ पाई। फिर एक चीज इसमें यह है, लोग कोई नहीं बताता, खुद की जान खुद ही केयर करो, क्योंकि एक चीज भी आता है, क्योंकि मेरे को एक चीज सीखने को मिली वहाँ पे, और तो क्या है, सब सही रहा एक्सपीरियंस। और फिर बाद में टीटी आ गया था, टीटी ने उनको बोला भाई अंदर चले जाओ, फिर उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में वो फायर वायर कुछ बुझाया, पता नहीं उसमें कुछ भाई आदमी है बता रहे थे लोग, क्योंकि बाद में जब मैं गया था, बाद में लास्ट में जग गया था मैं, 30 मिनट तक चला था वो, बस ये याद था कि लोगों ने बताया वो 30 मिनट तक चला था, मेरे को ऐसे में उठा था 5-10 मिनट हुए थे उसको फायर जलते हुए, और तो कुछ नहीं, और क्या बताना होता है। हाँ, और एक चीज में सीखने को मिली, गुजरात ऐसा डेवलप है ये तो मानने की बात है, वहाँ पे लोगों के पास में लग्जरी गाड़ियाँ है, यानी लग्जरी गाड़ियाँ है, बस क्या बोलूँ मैं भाई, ठीक है। एक चीज मिली राजस्थान में, क्या है राजस्थान में, एक चीज है यहाँ पे कंजूस बनाना सिखाया जाता है, राजस्थान में क्या होता है मारवाड़ी में कंजूस बनाना सिखाया जाता है, और गुजरात में एक चीज है वहाँ पे लोगों को व्यापारी बनाना सिखाया जाता है, ये दो चीज यदि तुम वहाँ पे चले गए, दो चीज जगह चली गए, तुम अच्छे खासे बन जाओगे बिजनेस में। ये है कि वहाँ पे अहमदाबाद तुम्हें कुछ ना कुछ करके बता देंगे, ऐसे बढ़िया है,
मोदी नगरी है, मोदी ने सारा पैसा उसमें डाल दिया, सारे इंडिया का पैसा उसमें डाल दिया, इतना डेवलप कर दिया उसने, क्या बताऊंगी मैं, मोदी मोदी ने पूरा अहमदाबाद का रूपक ही चेंज कर दिया।